ऐसे पकड़ी हुई अभी जैसे। पकड़ा गई, हाथ में खुली हाँ है बस मेरे। ठीक है, हम आपको बताएंगे नानी को, हमने यहाँ बिठा दिया है और हमारा अभी दस्तखान लग चुका है माशाल्लाह। ये शुभ शुभ सरकार वाले बाबा जी मौजूद हैं। अगर कोई भी आपको फनी खराबी हो, आपकी चीजें काम ना करती हो, दिमाग बंद हो, दिल में दर्द हो, तो हम हाजिर हैं। तो हम हाजिर हैं। शुभ शुभ के दो छोटे भाई इस दो शुकारे मारेंगे काम तमाम। अस्सलाम वालेकुम भगवान। वो वीडियो मैंने वहीं ख़त्म इसलिए कर दी कि बड़ी हो गई थी, तो मैंने कहा फिर और ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने दोबारा से जो किचन पे जाने की वीडियो थी वो अब यहाँ से बनाऊँगी अब सारी तक की। खैर अभी अभी ने ये तो फूड चाट बना ली है, बाकी चीज़ें इसे तैयार कर ली है। ये दही बड़े की जो है वो तैयार हो रहे हैं, दही बड़े आज काटे बाड़ी बनेंगे। और मैंने अभी रख दिया चावल भिगो दिए क्योंकि आज बनी है चिकन कढ़ाई और बिरयानी। चावल अभी ने कर दिए, मैं खाली से चिकन डालूंगा उनका चिकन थोड़ी करने बॉयल हो रहा है। अब ये सब्जी में चिकन ताकि थोड़ा सा चिकन बने, हम ब्राउन कर लो तो ये आज सब्जी खाई वाली कढ़ाई बनेगी। इसको अपनी कढ़ाई का नाम ले लेते हैं चर्ची कढ़ाई। चर्ची कढ़ाई सर बच्चों नहीं पता, हमें बताते जाएंगे हम बनाते जाएंगे बच्चों को भूल लें। और अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने ब्लॉग को। इससे सफाइयाँ हो रही है दोबारा से, इसके कपड़े चेंज करने आज चढ़ा है यूनिफॉर्म है ये तरह करा हुआ है। अम्मी ये जो आज जोड़ा पहना है 4 साल पुराना और सेम यही जोड़ा आज मैं फर्स्ट टाइम पहनूंगी। 4 साल से वो जोड़ा मैंने पहना ही नहीं, संभाल के अलमारी में रखा हुआ था, तो मैंने आज निकाला, मैंने कहा यार नहीं बहुत हो गया इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से ज़रा ये खरगोश भूल जाए, मैंने पहले अदरक कैसे डाला है। और ये भूलने के बाद फिर कढ़ाई तो खैर सबको बनानी आती, कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारे घर में कढ़ाई बिरयानी और रोल समोसे सब कुछ बन रहा है। जो जो बना है खरी अम्मी ने इमली का जो है थोड़ी चटनी बनाई थी, फिर आज और बनाने के लिए रख दी है। और यहाँ पे अम्मी ने आधे से ज़्यादा काम कर चुकी, सारा काम अम्मी कर चुकी है। ये टमाटर की पेस्ट भी बन चुकी है। खैर यहाँ से ज़रा थोड़ा सा हम इसको भून लें से पहले कि वो जल जाए, तो अम्मी मुझे जला के रख देगी। इसमें भी काम पहले कर लेते हैं और जब अब कढ़ाई हो जाएगी और कढ़ाई तैयार हो जाएगी तो मैं काकू की शक्ल भी आपको दिखा दूँगी। जवान भाई गए हैं काकू के साथ, आज घर पे नहीं है, लेकिन हमारा जो बच्चा वही गुराज स्टाइल का है वो सफाई कर रहा है क्योंकि जो घर साफ उसको ज़्यादा पसंद है, अम्मी को ज़्यादा पसंद है। खैर यहाँ पर बॉल कर रहा है, उसके बाद भूलने के बाद अगर तैयार हो जाएगी तो इसकी शक्ल दिखाऊंगी। रेसिपी भी बताऊँगी क्योंकि सारे सबको बनानी आती है, कभी बहुत खास चीज़ बनाऊँगी तो दिखाऊँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए इसको यही से कट करके अम्मी पीछे लगी है अपनी चटनियाँ वटनियाँ चीज़ें देखने के लिए, फूड चार्ट देखने के लिए। इन्होंने आधे से ज़्यादा बच्चे 80% काम भी कर चुके हैं। खैर ठंडी का अगर हम मुर्गी भून जाए तो फिर उसमें हम मसाले डालेंगे। तो मसाले मैंने थोड़े से घर के मसाले भी ऐड किए हैं, थोड़ा सा पैकेट का, बाकी मैंने घर के डाले हैं। जैसे जीरा धनिया कूटा हुआ है, हल्दी है, काली मिर्च है, ये जरा वो चाहिए मसाले डाले। सब ग्रेवी निकाल लिए ताकि इसको भी वक्त से पहले निकाल कर दिए कि कितने निकाल लें। और ये बसे की चीज़ आज ये ड्रम स्टिक बनेगी। ओए होए 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 समझ जी, आज ये हो गया मेन्यू और लगे रहो लगे रहो लगे रहो हमें लगे रहो। अभी तो घर छोटे नहीं है, खैर ये तो मार्केट वाले, लेकिन ये रेडीमेड नहीं है, ये घर के हैं, ये घर के हैं, ये घर के हैं। और ये जो समोसे हैं ये मार्केट के हैं। तो काफ़ी हद तक ये ग्राइंड हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। अब इसको डाल देते हैं ये मसाला, ताकि थोड़ा सा मसाले के साथ इसकी बनाई हो जाए और फिर उसका तेल और मसाले के साथ। अच्छा मसाला थोड़ा सा और ऐड करेंगे क्योंकि मसाले से ज़्यादा थोड़ा मज़ा आता है खाने में। और वैसे भी ओए होए ये शामी भी आ गए जी, शामी भी लेकर आ गए, ये वहीद बुरात अपने शामी कपूर को भी लेकर आ गए। कह रहे हैं जी भाजी शामी भी दिखा दें साथ साथ, आज बेचारा अकेला है, इसका पार्टनर नहीं है। खैर वो आ जाएंगे रोजे से पहले, रोजे तक आ जाएंगे। ये अम्मी के सारे डब्बे हैं, ये देखें ये अम्मी के सारे डब्बे हैं जो हमारे बहुत इस्तेमाल के हैं, जो अक्सर जाते हैं तो आते भी नहीं है, लेकिन ये बहुत इस्तेमाल के हैं। तो मैंने धनिया पुदीना और ऐड किया, 3 मिनट में काट के डालती हैं, बस इसी तरह भुनाई होगी। अच्छी तरह भुनाई के बाद फिर टमाटर का मसाला डालेंगे, खाते तो अच्छी तरह भुनेंगे और सारी सी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। आज हमारे काम वाली नहीं है और कुकिंग करने वाली भी नहीं है, आज वो माफी उसके पर नहीं आई, आज उसकी छुट्टी है। एक सभी चले बॉयल होने हैं जो भाभी आके बनाएगी काली वाली छोले, और सिर्फ भाभी हैं भाई और कोई नहीं है, बाहर का कोई भी नहीं है, सिर्फ वो लोग हैं। सिर्फ हम खुद ही अफ्तारी बनाएंगे जितनी सब ख़त्म हो जाए, ज़ाया ना हो, बिल्कुल भी ज़ाया ना हो।
काफ़ी हद तक ये भूल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर ताकि उसकी साल तो भूपिन ताकि टमाटर के साथ इसकी भुनाई हो सके और ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इसकी शक्ल। और डाल दो और खुशबूएँ बहुत अच्छी आ रही है। दोबारा मेरे को सारा नहीं डालना था, 2 किलो टमाटर थे तो मैंने कहा मुझे पता है कितना डालना है। मैंने एकदम से मेरा दिन बंद कर दिया और हमने अम्मी के इतने टमाटर बचा लिया। मैंने वैसे एक साथ 2 किलो टमाटर की जो ये थी वो सॉस बना दी थी, लेकिन अभी इसमें हम थोड़े से साबुत टमाटर भी 1-2 रखेंगे ताकि उसकी ज़रा अलग से छिलके क्या फ्लेवर आए। एकदम से अम्मी आई है, देखिए अम्मी की आवाज़ बंद थी पर अम्मी ने फिर भी चीख निकाली, मेरा कैमरा भी रुक गया टेंशन में आके। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये बासी हमारी नहीं रखी थी अपने घर में आजकल, जो हर वक्त चूल्हा घर किचन रगड़ती रहती है। अच्छा ये बीमारी ना, बीमारी तो नहीं खैर अच्छी बात है, ये आदत मेरी बहन साहिबा को भी है। वो 24 घंटे किचन जागती रहती है, वो साफ़ करती रहती है। इसी तरह वो खाना पकाने के बाद फ़ौरन चीज़ें सर्व साफ़ करती है, हर चीज़ फ़ौरन धो के लगाती है। ये रही मैं और हमारी कढ़ाई बहुत हद तक तैयार है, मिनटों में क्विकली तैयार होने वाली रेसिपी। कढ़ाई डाल दें, थोड़ा सा डालें, थोड़ा सा क्योंकि हमारे 2 किलो टमाटर मैंने समझ लें 1/2 किलो भी नहीं बचे, 1.5 किलो टमाटर इतने से उसमें कढ़ाई में गए तो आप समझ सकते हैं। खैर मैं ज़रा घर में हम लोग मासी हुलिया में ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं तो अच्छी बात है। मेरे बल्कि बाजू फट गए थे तो हमने सुबह कटवा लिया मम्मी से। और ये जो कमीज़ है ये मेरी मम्मा की, तो मेरे मम्मा की पहनी हुई है। मम्मा मेरी पहले बहुत पतली थी तो अब मैं मम्मा जैसी हो गई, मम्मा मुझे जैसी हो गई ये नहीं पता, लेकिन ये कि ये मम्मा की कमीज़ है। और आज मम्मा वाला सूट जो मम्मा ने पहना 4 साल पुराना आज फर्स्ट टाइम पहनूंगी। तो खैर ये थी कढ़ाई तैयार हो जाए तो शक्ल दिखाते हैं। यहाँ से रख रहे हैं बर्तन जो ड्राइंग रूम में जाएंगे और ये निकाल रहे हैं। ये देखें सारी चटनियाँ, ये हरी चटनी, ये इमली वाली, लाल वाली मिर्चों की चटनी, ये इमली की चटनी और ये धनिया पुदीने की चटनी और ये लाल चटनी और ये साथ में सब चीज़ें ये सेट कर रहा है। ग्लास बाबा 6 या 7 ले लो, 6-7। और अम्मी इतना साइलेंट मोड पे चले गए हैं, अम्मी अक्सर साइलेंट मोड पे चल जाती हैं। तबीयत इनकी बहुत ख़राब है, आप लोगों से दुआ की अपील है कि आप इनके लिए दुआ करें क्योंकि अब चले जी जाते। कब तक आओगी? ठीक है। छोटी भी तमाश पढ़ के निकल रही है जी, को चम्मच लाने की जरूरत। वाह चलें जी, भुनाई का काम अब शुरू हो गया, अभी 15-20 मिनट तक भुनेगा और थोड़ा थोड़ा हम ग्रेवी रहने देंगे, हल्का चूल्हा कर देंगे ताकि इसका लिक्विड बिल्कुल भी खुश्क ना हो, सिर्फ इसकी भुनाई हो। तो 15 मिनट बाद हमारा ये तैयार भी काफ़ी तक हो गए, ग्लास में रही हूँ कि गले में होंगे और इसके लिक्विड में थोड़ा सा जो काटे वाले छोले होते हैं वो भाभी आके तैयार करेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा काम फाइनली सारा हो चुका है, सर का टाइम भी बखैर हो गया है। जी हाँ, सर का टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है। नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद चेंज करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, आज वो सूट पहनेंगे जो मैंने 4 साल पहले बनाया था और पहना नहीं था, तो उस सूट को हम पहनेंगे क्योंकि मैंने सोचा पहन लूँ, लोगों ने 10-10 दफ़ा पहन लिया। खैर यहाँ पर जुड़कुट है जो टेबल से जा रहा है और आज हमारे यहाँ 2nd अफ्तारी तनवीर भाई की फैमिली की, तनवीर भाई की है, तनवीर भाई बोलूँगी उनको। तो और यहाँ पे बस सेटिंग हो जाएगी थोड़ी देर बाद और फिर सिर्फ भाभी और हम लोग हैं, आज हम उनके साथ रोज़ा खोलेंगे और तनवीर भाई की बहुत सारी बातें। फिर चले नमाज़ की तरफ चलते क्योंकि टाइम हो चुका है। बाहर का व्यू भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, इतना खूबसूरत इस वक्त शाम हो रही है, अल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। कबूतर ना, कबूतर वो देखें, कबूतर जो है ना वो देखें कहाँ गया, हाँ वो बैठा हुआ दाना खा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि सबको रिस्क खुदा ताला सबको देता है, हर बंदा अपना अपना रिस्क खा रहा होता है। तो इस वक्त ये तमाम मैंने कहा थोड़ा जूम कर लूँ, ये बैठा हुआ कहाँ गया, ये बैठा हुआ खा लो मेरा बेबी, खा लो। अब चिड़िया भी आ गई हैं तो बस इन्होंने अपने अपने बंटवारे किए हुए, एक बॉल उसका और एक बॉल उसका। चिड़िया यहाँ बैठती हैं सारी और ये शाम इतना भरा हुआ होता है, इतना भरा हुआ होता है और जब तक सूरज नहीं जाता, चंदा मामू जब तक नहीं आते और सूरज मामू नहीं जाते, ये इसी तरह ये लोग यहाँ से खाना खाती रहती हैं। अल्लाह पाक इसी तरह हमारा दस्तरखान भी वसी करे, इसी तरह रोशन करे, इसी तरह इतना ही हमारे घर में सबके घर में रिस्क आता रहे जिस तरह से इन लोगों को रिस्क रब आलमीन देता है, हर जगह से देता है।
और ये मायूस नहीं होती क्योंकि इनको पता होता है कि इनका रब इनके लिए बेहतर रिस्क की फरहमी करेगा। बेशक भाई तैयार हो चुकी है, नमाज पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि इसको बंद कर दूँ उससे पहले कि ये जल जाए, और माशाल्लाह शक्ल माशाल्लाह 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 अच्छी है। खाने में बच्चियों को जो रोज़ा है तब तो सख्त नहीं है, नमक बच्चों का हिसाब किताब बिल्कुल भी नहीं होता, खुद अपनी मदद आपके तहत आपको पकाना पड़ता है। हर कुकिंग सारी आती है, कोई ये समझे कि मुझे नहीं आता, सब कुछ आता है, सिलाई कढ़ाई हर चीज़ आती है और आनी भी चाहिए, करते नहीं अलग बात है, अल्लाह पाक ने सहूलियात दी हुई है, नौकर है सब है। लेकिन आज कुक हमारी नहीं थी तो अम्मी ने सारा काम किया और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें छोटा सा काम किया, वो है कढ़ाई बढ़ाई। खैर चले यहाँ से नमाज पढ़ने जाते हैं और ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई, ये जो चूल्हा ना ये सिलेंडर रखा हुआ, जब गैस नहीं होती तो हम उसमें बनाते हैं, लेकिन इस वक्त 4 से 6 तक गैस होती है तो हम उसमें सारा काम कर रहे होते हैं। खैर यहाँ से हमारा ये हो गई है कढ़ाई तैयार, तेल भी आना शुरू हो गया, इसको बंद कर जाऊँगी, ये ना हो कि ये लग जाए और इसका बुरा हाल हो जाए और जो अच्छी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है तो वो अच्छी अच्छी ना रहे। हाँ 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 गर्म 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 खैर घर में भी हम लोग साथ हैं, मासी के हालत भी होते हैं इस तरह के कपड़ों में होते हैं और ये फटी हुई कमीज सब कुछ पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं ना खूबसूरती तो आपके इनहेल होती है, आपके अंदर होती है, जब वो आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है, आपके वजूद को निखारती है। शक्लें जो होती हैं वक्ती दौर के लिए होती है, 10 साल पहले मैं कुछ और थी, अब मैं कुछ और हूँ और 5 साल बाद मैं कुछ और हो जाऊँगी, लेकिन असल चीज़ है कि आप अंदर से कितने अच्छे साफ सुथरे, कितने लोगों की इज्जत करने वाले, कितने लोगों कितना खुदा के गरीब और कितना रब के बंदूक से प्यार करने वाले हैं। सर अजान हो रही है, अजान हो रही है, अजान हो रही है, सुभान अल्लाह अजान हो गई है सर की और नमाज पढ़ते हैं इसके बाद, फिर बाकी की बातें आपसे जब अफ्तारी लगेगी वहाँ भी लोग आएंगे फिर आपसे करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना ये व्लॉग जो भी बनाती हूँ, जो भी आप इसको देखते हैं आगे करते हैं तो बेहतरी की तरफ हो, अल्लाह करे किसी की चीज़ों से इसकी हेल्प हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमें अल्लाह देता है ना, हम इस काबिल नहीं, हम इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है, रब देता है, तो हमारे में भी लोगों के हिस्से हैं, जिसके हिस्से में जो जो भी आता है उन तक वो हिस्सा पहुँचे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। नहीं है ना ये ऐसे यहाँ बैठ कर नमाज पढ़ती हैं, क्योंकि ये नीचे तो बैठ नहीं सकती, तो ये अंदर सोफ़े में यहाँ यहाँ सोफे पड़ती है। वो मेरा बहुत प्यारा सा टेडी बियर है, सब दे दिया लेकिन ये नहीं दिया, ये मुझे पता नहीं बहुत अजीज़ है, लेकिन इस वक्त मेरी छोटी सी नानी टेडी बियर है, नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ अभी मस्ती करते हैं, बस नानी को अल्लाह ज़िंदगी दे, आपको उनकी एज का भी आइडिया है, तो बस हमारे पास हमारा कुल असासा यही है, क्योंकि अम्मी इकलौती हैं, उनका कोई भाई बहन नहीं है, बाकी सब बने हुए हैं, पर बने हुए बहन भाई वक्त के साथ होते हैं ना, हालात है अच्छे तो साथ है, पर नवाए भाई टाटा, तो पहले सब नानी नमाज़ पढ़नी है, बाकी बातें मैं भी नमाज़ पढ़ के करती हूँ आपसे, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। तो ना ये जोहर से लेकर इशा तक मेरा बिछा ही रहता है, मैं जब नमाज़ पढ़ के जाती हूँ तो उसे इकट्ठा कर देती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे माशाल्लाह नमाज़ें होती हैं, तो मैं इसको 3 वक्त के लिए तो कोशिश करती हूँ उठाती नहीं हूँ, ये यहीं रहता है, क्योंकि इस कमरे में हमारे कोई जूता लेके नहीं आता, हमारे जो कमरे हैं हम कोशिश करते हैं जो अंदर की चप्पल है वो अंदर ही रहे और बाहर की बाहर रहे, क्योंकि हम यहाँ पे नमाज वास पढ़ते हैं तो हम अवॉइड करते हैं कि हम चप्पल लेके घर में ना घूमें सिवाय ड्राइंग रूम के। वही है हमारी अदा और अब चलते हैं बाहर, किचन का काम में भी बहुत टाइम है अभी, क्योंकि पकौड़े या रोल वोल बनाने हैं, बाकी चेंज करती हूँ क्योंकि कपड़े चेंज करूँ ताकि तैयार हो जाऊँ, तैयार क्या जो रोज़ा है बस चेंज करना, और एक जो एक होता है स्पेशल, कहते हैं जो नए कपड़े पहनने चाहिए रमज़ान में हिसाब किताब नहीं होता, तो मेरे तो इतने सारे कपड़े हैं तो मैं क्यों नहीं पहन रही ये सोच रही हूँ, क्योंकि मैं बना बना के रख लेती हूँ, बुरे वक्त में काम आएंगे, लेकिन ये रमज़ान है, रमज़ान में कहते हैं जी कपड़ों का हिसाब किताब नहीं होता, तो मैंने भी सोचा कि आज भी नया जोड़ा पहनूँ, अच्छी बात है। हम जो नमाज पढ़ के आए हैं तो अम्मी ने तो यहाँ पकौड़े शकौड़े भी बना लिए, मम्मा के पकौड़ों की शक्ल देखें, ये आलू के जो पकौड़े हैं इस कदर अच्छे माशाल्लाह बने हैं इसकी कोई हद नहीं, और साथ साथ में ये ड्रम स्टिक की बन रही है तो अम्मी अपनी दाल लेनी है, शक्ल की तो बहुत मज़े की लग रही है, लेकिन ये पकौड़ा जो ये स्पेशली घर का पकौड़ा है ना ये बहुत ही मज़े का, क्योंकि मम्मा का अपना मसाला वसाला लगा डाल के बेसन में तैयार किए गए अम्मी, अरे सॉरी ऑलमोस्ट हमारा ये वाला काम भी हो गया है, पकौड़ा तैयार है, ये भी तैयार है, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, समोसे रोल पकौड़ा ड्रम स्टिक, और यहाँ से बस अब जो खाना है वो तो हम रोज़े के बाद ही चावल जो हमारे अम्मी ने भिगोले अभी करेंगे ताकि 1-1.5 घंटे बाद खाना खाएंगे रोज़े के बाद, तो अभी हर बाकी के सारे लवाजमात बन चुके हैं और ये भी तो दोबारा से लगा पड़ा है वो लगे हुए पीछे काम करें। चले हाँ जी, इशारे कर रही है, अभी पूछो क्या कह रही है।
पकौड़े लाओ भी, पकौड़े लाओ। पकौड़े की तो शक्ल एक बार फिर दिखाती हूँ। सब चीज़ें तैयार हैं, मैं होने जा रही हूँ, चेंज करने जा रही हूँ। इसके बाद चेंज करूँगी और भाभी लोग भी निकल चुके हैं और थोड़ी देर बाद वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। पंखा बंद करो, ठंडे ना हो जाए। बंद कर दूँ क्या? रहे दो मेरे को गर्मी लगती है। ये देखिए, ओह हो, ओह हो, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खाए पकौड़ा, समोसा, ऐसी ट्रे वाला, ऐसी प्लेट लगा दी पड़ी है। मम्मी बेचारी आवाज़ बिल्कुल बंद है, बहुत बीमार है। फिर दवा के चलो भाई, चलो नमाज़ पढ़ती है फिर सो जाती है, नमाज़ पढ़ती है फिर सो जाती है। नानी का दर वाला सोफ़ा फिक्स है और यह बाहर वाला सोफ़ा फिक्स है, तो नानी ने बस दोबारा से सोफ़ा घेर लिया है और नानी ढेर हो गई है दोबारा से। हाँ जी नानी, रात को बहुत होता है पर अभी भी मच्छर बढ़ रहा है, नानी को बहुत बच्चे काट रहे हैं। चलो जी, नानी मम्मी की तरह इस वक्त लेटी हुई है जैसे मम्मी लेटी हुई मैं। और ये रही हमारी छोटी भानु फातिमा, ये भी भानु फातिमा है। और मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा टाइम, नानू 6 बज गए। ये मम्मा है, ये मेरी चाची किश्वर है, ये मैं हूँ और ये साहिमा है, ये हम दोनों हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैं हूँ, साथ में काकू है कितनी कांगड़ी थी मैं और ये रही मैं, चेंज करके आते हैं। जवाहर भाई आ गए और अम्मी की आवाज़ बंद है, अम्मी के मुँह पे छाले हो रहे हैं अभी देखा है। जवाहर भाई ने टोपी, टोपी वाले भाई आ गए, टोपी वाले भाई आ गए। काकू आ गए जी, गर्म पानी के घुराड़े का कर दिया चेंज और पहने कपड़े। तो मैंने बताया कि बहुत पुराने तरीके का अनुभव लग रहे हैं, दुआ पता कब भाभी लोग ऐसा है। चले जी, टाइम बहुत कम रह गया, हमें दुआ मांग रही है। और नानी को आज हमने बिठा दिया है, नानी तो वही बैठ भी गई है और हमारा दस्तरखान लग चुका है। 10 मिनट रह गए रोज़ा खुलने में और दस्तरखान लग चुका है। नानी वो सामने बैठी हुई है, नानी को हमने आज साथ बिठाया है क्योंकि उस दिन टेबल में जगह कम थी, तो हमने बाहर वाले जो किचन है वहाँ के टेबल में बिठाया था। हम लोग अमूमन वहीं सब कुछ खाते पीते हैं, लेकिन मेहमान आते हैं तो फिर सेटिंग यहाँ करते हैं। खैर नानी के हाथ में खजूर है और वो इंतज़ार कर रही है रोज़ा खुलने का। मैंने वही सूट जो बता रही हूँ 4 साल पहले सिला था और पहना नहीं था, वो मैंने आज पहना है। पिक्चर्स क्या लगानी, बस ऐसे ही देख लें, बड़ा मज़े का है। और ये मैंने 4 साल पहले मैंने और माँ ने एक जैसा लिया था और मम्मा ने तो कई 10 दफ़ा पहन लिया, मैंने नहीं पहना। खैर दस्तरखान सज चुका है, आसान होने वाली है इंशाल्लाह, थोड़ी देर बाद अफ्तारी होगी और वो खूबसूरत पल दोबारा से जैसे सब बैठेंगे और अफ्तार साथ करेंगे। तो खैर फिर जब भाभी लोग आते हैं तो उनके साथ दिखाती हूँ। अरे अच्छा 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 अच्छा, काकू भी आ गई है, काकू बहुत थक गए, कह रही इसका तो आज रोज़ा भी लगा था बहुत ज़्यादा। तो बस फिर हम कल हिम्मत की, हमने बड़े हो गए कल। नानू इनका खुलना है, हमारा खुल गया है। करेला नानी खजूर, ये नानी ने रोजा नहीं खोला, करेला रोजा खुले तो पता नानू आपकी खजूर तो हाथ के हाथ में रह गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नानू, ये तो दादी के साथ बकौल हो गया। हम सबने रोजा खोल लिया, नानी कह रही रोजा खुले तो पता। नानी बैठा
रोजा खोल रही है। पानी रोजा खोलो, नानी रोजा खोलो खोलो खोलो। पानी के अंदर कितनी खराब है। तो नानी के कान बहुत तेज है लेकिन ये आवाज नानी के कानों तक नहीं पहुंची और नानी का रोजा लेट हो गया। आगे मेरी चाट और आज छठा रोजा भी खत्म हो गया और 10 मिनट फिर शॉपिंग का टाइम। मैं कह रही हूं बेल ला दो उसको, बोलो रूह अफ़ज़ा लेके। अच्छा रूह अफ़ज़ा लिया है, मम्मा कह रही हैं। शुजान बुलाओ मुबीन को बेटा, रूह अफ़ज़ा लेकर आए। मुबीन भाई जवान भाई रूह अफ़ज़ा ले आए उसको, बोलो 2 मिनट देरी रात है जब भाग जाता है पाए भाग जाता है। नानी बैठी रोजा अपना रोजा खोल रही है। नानी रोजा खोलो, नानी रोजा खोलो खोलो खोलो। पानी के अंदर कितनी खराब है। खोल गया और यहाँ पे भी लोग रोज़ा खोल रहे हैं और यहाँ कौन से लोग रोज़ा खोल रहे हैं वो दिखाती हूँ। और भाभी लोग काफ़ी लेट आए इस वक्त। मुबीन और जबार भाई सिंधी मारू अरे मारू रे मारू यहाँ बैठ के अपना रोज़ा खोल रहे हैं। ज़्यादा बार बार से निकली कि बड़ा अफसोस वाला माहौल चल रहा था अंदर। अम्मी बहुत बीमार थी, भाभी भी डरती क्योंकि पहले उनका रमज़ान है जब उनके मियाँ नहीं है। अल्लाह पाक मगफरत करे तनिर भाई को, करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो खैर ज़्यादा शुगर नहीं लगाना था वहाँ पर। खैर इस वक्त यहाँ पे चाट फोड़ो नहीं बढ़ चाट फोड़ी फ्रूट चाट फोड़ रहा है। फोड़ो फोड़ो अभी टोपी ऐसी लग रही है। ये टोपी मेरी है, याद है मुझे ये टोपी मेरी, मैंने पहनी हुई कल से। मैंने टोपी ही नहीं उतारी है, टोपी ही नहीं उतारी है। और उतारेंगे दी किसने, बड़ी बहन। तो खैर अभी ये सब मनाजिर हो चुके हैं। मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी तो मैं इनकी आवाज़ सुन के आ गई। नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की, और पहले मेरे मुंह से गलती से असर की नमाज़ को मगरिब बोल दिया गया। मगरिब की नमाज़ पढ़ के आते हैं और बस खाना होगा। भाभी लोग आ गए। एक छोटी सी हमारी अफ्तारी थी जो मैंने आपको दिखाई और किसके साथ ये भी दिखाई। खास लोग हमारी फैमिली का सबसे ख़ास फैमिली जो है वो यही है जिनके साथ हम लोग अपनी खुशियाँ गम सब मनाते हैं। तो खैर यहाँ से ज़रा चलते हैं। पीछे आपको मोहम्मद अली नज़र आ रहा है, अहमद नज़र आ रहा है। ये हमारे बहुत प्यारे से दो बच्चे, एक भाई का बेटा और एक बहन का बेटा। चलते हैं यहाँ से। आपसे ज़्यादा चाहती हूँ दुआ में याद रखेगा और बीच में कोई भी खाने वाने की वीडियो बस ऐड करके लगा दूँगी और इसको यहीं से खुदाफिज़ कह दूँगी। छठा रोज़ा और ख़त्म हो चुका, रमज़ान बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है और हमारी ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसे सबका जा रहा है। खैर अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, हमारे लिए आसानियाँ करे, आपके लिए आसानियाँ करे। और यहाँ से ज़रा नमाज़ पढ़ने चलते हैं क्योंकि नमाज़ का टाइम बहुत कम होता है मगरिब का। फिर बात करते हैं। जब मैं इधर आई तो छोटी ऑलरेडी नमाज़ पढ़ रही थी, वो नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ते फिर कंटिन्यू बात करते हैं, ठीक है? चल यहाँ पर मेहमानों का जिक्र छिड़ पड़ा है। उसका खुल चुका है लेकिन बाबा भी बहुत जिंदा दिल थे, वो लगते नहीं थे कि वो इतने बीमार है। तनवीर भाई कभी भी बीमारी को लेते नहीं थे अपने ऊपर, लेकिन उनका मैंने एक दिन पहले कहा कि सुनिए ये हंस के काम नहीं चलेगा, बहुत हो गई है। तो कह रहे तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा आज तो बहुत मैं उससे कह रही हूँ कि मुझे वाकई आज बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, आपके सामने ही कह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक दिन रात के पहले की बात आ रही। और पिछले रमजान में भी कहते हम सब साथ थे, वक्त भी बहुत। हम लोग इतना डर गए हैं भाई, मेरा कोई प्रोग्राम अब नहीं बनाता। नहीं भाई डर लग गया है, 8 दिन पहले का नहीं पता था, क्या पता था ईद पे हम वहाँ जाएंगे ये थोड़ी पता था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरा भाई ईद के दिन पहली दफ़ा मेरे घर आया, कभी नहीं जा रहे। मैं अम्मी अब्बू से मिलने जाती थी बस। अब देखो क्या बनेगा, अभी भी उससे कहो नहीं भाजी कुछ नहीं पता, कल फिर
कल का भी कह रहा जिंदगी रही तो चलेंगे सारी। मैं कहा तुम इतने नाम है क्या हमारी तनवीर, क्योंकि डरा डर गए। जो अचानक मौतें होती है भाभी वो भूलती नहीं है, वो नहीं भूलती है। मिसाल है जैसे नानी की एज है ना, हमें पता है एज है, ठीक है। जब कोई बहुत बीमार है तो हम सोचते हैं कि अल्लाह ना करे बीमार है तो कुछ हो सकता है, पर जो बंदा ऐसा बीमार नहीं उसके लिए आप नहीं सोच सकते हो, नहीं सोच सकते ना। तो वो इसीलिए तो ये एकदम वो हो गया। अभी एक रिश्तेदार आए थे अमेरिका से, कहने लगे ये नहीं पता था तुम्हारे यहाँ तीन दिन के अफसोस को आना पड़ेगा। एक अम्मी अब बोल भाई, उन्होंने मुझे बचपन से देखा हुआ था तो सबसे सारी खबरें ले लेते हैं, सब आ जाता है। अरे जिससे याद आया, मैंने भी एक वीडियो लगाई अपनी टिकटॉक पे, पंजाब साइड गए थे। पहले कहाँ किसको ढूंढ रहे, पहले नानी को ढूंढना, पहले तुम्हारी फोटो स्टेट वहाँ बाहर थी। अच्छा इतना लोग इसको कहते थे नानी, क्यों पता जब बुढ़ापा हो जाए, बड़ा हो तो वहाँ पे भाई जब 4 साल बाद तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो जाए। अल्लाह अभी बड़ा हुआ नहीं, बुढ़ापा भी शुरू हो जाए है। अभी जैसे बर्तन धो, अभी बर्तन धोकर ही आई ना रिकॉर्डिंग पर थी, कहाँ पर थी वैसा। मैं कहती मैं इस घर में नहीं रह सकती, लेकिन बड़े हो जाते हैं और वो ये कहते हैं खतरनाक तरीन कुत्ते हैं जो लिए उन्होंने, वो बहुत खतरनाक कुत्ते हैं जो उन्होंने लिए कर जाए। हाँ वकार चक्कर ने किया था, अपनी अपनी पूरी टीम लेके आया था। हाँ। जितने भी उनकी टीम के उस वक्त जितनी लड़कियां थी ना जो इस तरह की काम कर रही थी। हाँ। यहाँ पे हमारी फील्ड में हम लड़कियां थी शोबिस की, हमें पता नहीं था वकार चक्कर ने हमसे कंपटीशन कराना है। अब हम चले गए, अब वो कहें बिल्ली बंदर के गले से घंटी खोलो, बिच्छू बिच्छू अब ताला खोलो, बिच्छू को मुँह में डालो, बर्फ के ऊपर खड़े हो जाओ। सारी लड़कियों में से वाहिद मैं थी जो एंड तक मैंने विन किया, उनकी सारी लड़कियों को हरा दिया। वो सब यूँ देख रहे हैं, कह रहे हैं ये तुमने कर लिया वकार जगह। मैंने जब चूहा नहीं बिच्छू मुंह में डाला ना और चूहा, तो वकार जगह कहता मैं तो समझ रहा था मैं ही बहुत बड़ी चीज़ हूँ, हमारी लड़कियाँ सब फ्लॉप, मैं जीत गई थी। उस दिन से फिर एयर वाई में मुझे हर शो में बुलाते थे कि यार ये डेयरिंग है, ये डेयरिंग है। किसी को पहले नहीं पता था मैं डेयरिंग हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक शो था सनम बलोच का, उसमें वो ताबूत जिसमें लाश उसमें डाल दिया और रहीम शाह गाने गा रहा है और ऊपर से सारे नहीं तो होते जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ऊपर डाले जा रहे हैं मेरे, और मैं कह रही हूँ कौन सा मिली मिली नगमा गा रही हूँ दिल दिल पाकिस्तान। और वो सब पागल हो गए कि पागल लड़की है, और मैं कह रही हूँ दिल दिल पाकिस्तान, तो रहीम शाह कहता है ये तो पहली पागल लड़की देखी। तो उसके बाद से फिर सब लोगों को पता चल गया कि यार ये बहुत डेयरिंग है, वरना पहले नहीं था। मैं पहले हम लोग सेलिब्रिटी के इंटरव्यू होते थे सिंपल जाते थे कैसे हैं क्या किया, उसके बाद जाके फिर मैंने जब पानी में गई और सब कुछ हुआ फिर उनको वापस ये तो पागल है ये तो कुछ भी कर लेगी। हम लोग अभी शो करने गए ना जब अभी गए थे रेंजर्स का, वहाँ पे सांप का जहर लेके निकाला हुआ था पर वो खतरनाक था बहुत, तो वो लड़का नहीं उठा रहा था, पकड़ रहा था, कोई भी नहीं पकड़ रहा था, डर लग रहा था। जब मैंने उठाया ना फिर सबने पकड़ा, कह रहे अरे उज्मा तुम डरती नहीं हो। मैंने कहा दो मुहा था, मैंने कहा जब वो कह रहा है सांप का जहर निकाला हुआ है तो अब जहर ही नहीं है फिर क्या डरना, डसेगा तो जहर तो नहीं है। तो फिर मेरे बाद मेरे प्रोड्यूसर ने कैमरा मैन ने एंकर ने जो आज का था उन्होंने भी उठा के ना तस्वीरें बनाई, फिर मैंने ना उसको ब्रेसलेट की तरह सांप को ना अपने पूरे बाजू में लपेट लिया, वो तस्वीरें डालूंगी ईद पे। तो वो यूँ देख रहे कह रहे आप क्या कर रही है। ये तो अम्मी आप लग ही नहीं रही आज आप भाई अम्मी। सो लिपस्टिक इसलिए कहती हूँ लगा के रखा करें, लिपस्टिक जो ना आधे ऐप छुपा देती है, चेहरे पे लिपस्टिक आने से रौनक आ जाती है। मजे का मौसम है। यूट्यूब पे रिपोर्ट हिट हुआ हुआ है, जेंड्रा नाम बताओ, जेंड्रा बात करो, अलेक्सा अलेक्सा ठीक है सब, अलेक्सा मैं कौन हूँ, अलेक्सा मैं कौन हूँ, गुड गुड देखो मैं कितनी फेमस हूँ, उसको पता है मैं इसकी पुप्पो। वो भी लो ऐसे लोग खुश होते हैं, अभी देखो हमें सब जानते हैं, ठीक है। अरे तुम्हारे बराबर कौन बैठा हुआ है देखो ये उतनी बात करेगा जितना इसको जवाब देना है। तुम तनवीर भाई पे नहीं गए बेटा,
चेक कराना पड़ेगा। भाई आ चुके हैं और ये हमारी चाय आ चुकी है। ये शुभ शुभ सरकार वाले बाबा जी मौजूद हैं। अगर कोई भी आपको फनी खराबी हो, आपकी चीजें काम ना करती हो, दिमाग बंद हो, दिल में दर्द हो, तो हम हाजिर हैं। शुभ शुभ के दो छोटे भाई इस दो शुकारे मारेंगे काम तमाम। थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा आजकल रोजा अलग नहीं रहा, तो फातिमा ने क्या बोला, बाहर जाओगे तो लगेगा। अब काकू काम पे जाती है, मेरी छुट्टी अल्लाह की तरफ से, आगे से मेरा कसूर तो नहीं है ना, मेरे चैनल वालों ने मुझे खुद रिलीफ दिया है। आजकल मुझे रोजा नहीं लग रहा, इसलिए कि मैं घर पे हूँ, मैंने पूरा रमजान घर रहना है, सिवाय ईद के शो के मैं ऑफ हूँ। मैं दो महीने से काम नहीं कर रही, इसमें कोई शक नहीं है। तो काकू ने फौरन कहा कि जो बंदा घर रहेगा उसको भूख रोजा कैसे लगेगा, गर्मियाँ बहुत है, जो बाहर जाएगा रोजा होने के लिए है। ये बात तो सच है। और पीछे से भाई ने भी बेइज्जती प्रोग्राम कर दिया। शुक्र है बेइज्जती जब हो रही थी तो कैमरा ऑन नहीं था, वरना फिर बहुत बेइज्जती हो जाती। अम्मी कह रहे मैंने कहा आजकल रोजा नहीं लग रहा, 6 रोजे गुजर गए, कह रहे जो घर में रहेगा उसको रोजा क्या लगेगा। तो ये अम्मी की आवाज़ जरा गौर से सुननी पड़ती है, आपस में बात बातचीत है, सब चल रहे हैं। खाने के लिए मम्मा ने बनाने का दम लगा दिया है, और यहाँ से अपने व्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अब खाना खाएंगे, खाना लगेगा, और सब लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। और रोजे के बाद वैसे सुस्ती सी हो जाती है, और आज मेरे सर में सर्दी ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा, बहुत सर्दी दर्द है। खूबसूरत से पीछे सीनरी, आई विश हम इस साल भी इस रमज़ान में उम्रा करते, लेकिन शायद पॉसिबल अभी नहीं है, हाजिर नहीं है, हमारे दिल तो बहुत है लेकिन हाजिर नहीं है, जिसके रीज़न शायद मैं बता नहीं सकती, कुछ रीज़न है, अदरवाइज़ वरना शायद मैं वहाँ हूँ भी, क्योंकि जाना मुश्किल नहीं है, रब ताला का बुलावा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पर सब भी बैठे हुए, और भाई ज़रा कुछ नेटवर्क पे समझा रहे हैं काकू को, और यहाँ से बात ख़त्म करते हैं। आप लोगों को ज़्यादा रोज़ा बहुत मुबारक हो, और यहाँ से इंशाल्लाह कल किसी और एक्टिविटी के साथ मिलूँगी, छोटी छोटी एक्टिविटी के साथ। और फैमिली में दर्द हो रहा है, शादी वाला बात बैठे हैं, तनवीर भाई को ये शिद्दत से याद कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि तनवीर भाई बहुत मिस किया, वो हमारे जब आगे बैठे हुए मोबाइल पे लगे हुए, वो देख कर रहे बच्चों को देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि सुकून। ईशा हो गई, ईशा तो खैर मैं लेट पढ़ती हूँ, मैं काफ़ी लेट ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, तो उसके बाद फिर वही रात होती है, फिर सैरी हो जाती हूँ। घर में रहने का फ़ायदा और नुकसान ये है कि पता ही नहीं चलता, सो खाओ नमाज़ पढ़ो, सो खाओ नमाज़ पढ़ो, सिर्फ यही रूटीन है। और बाहर जाने का मेरा कोई मूड नहीं होता, मैंने गैदरिंग सबको बाय बाय कह दिया, सिर्फ फैमिली गैदरिंग, नो फ्रेंड गैदरिंग, फ्रेंड पे क्रॉसिंग, और सिर्फ फैमिली पे फोकस, और बाकी अपने काम पे फोकस। काम मैं कर नहीं रही, 2 महीने से खुद ही प्रोग्राम संभल लें, चिल सुकून, और ईद के बाद देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है, अल्लाह बेहतर करें। पर अपना ख्याल रखना, दुआ में देखेगा मुझे यहीं से अभी अम्मी को लगा देती हूँ, अम्मी की आवाज़ बिल्कुल बंद हुई है, जा दीजिए और ये रहा मेरा वो जोड़ा जो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकी, टाइम ही नहीं मिला मुझे। बिरयानी भी हमारी लग चुकी है, रोटी भी आ चुकी है, साथ साथ ही कढ़ाई भी माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है, बिरयानी तैयार है, बाकी के लवाजमात का आप संभाल रहे हैं, तो खाना सिर लग चुका है, और इनको अब खाने के लिए बुलाया जाएगा ताकि लोग खाएँ और खाना खाएँ। अच्छे जाते मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखा लूँ, मेहमान चले गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, और इस वक्त प्रॉपरली किचन पूरा ऐसे ही साफ़ होना चाहिए, अगर आप घर में साफ़ सुथरे नौकर हैं, गलती से अच्छे नौकर हैं, और आपकी माँ मेरी माँ की तरह साफ़ सुथरी है, तो आपकी हाँ प्रॉपरली हर चीज़ ऐसे ही साफ़ सुथरी मिलेगी तमाम चीज़ें करने के बाद। ये लोग ऊपर चले गए, देखिए ये हमारा डटी किचन है, और ये डटी किचन में आप देख सकते हैं प्रॉपर साफ़ सुथरा करने के बाद हमारे जो लड़के हैं वो ऊपर जा चुके हैं, और ये हर घर में नहीं होता, आई थिंक औरतें आजकल की मैंने देखा है बिल्कुल भी ये नहीं करती, और जिनके घर में ही होता है वो खुश नसीब है मर्द कि उनके घर में ऐसी सफाई अगर मिल जाए। बाकी उनके घर का क्या हाल है, तो मैं बहुत से घरों में जाती हूँ, देखती हूँ, उसके बाद मेरी चीखें निकल जाती हैं। अफ्तारी हो गई, मेहमान चले गए, सब कुछ चलेगा। एक चीज़ दिखाना चाहूँगी हमारे लड़के, मम्मा की वजह से भी, और लड़का भी बहुत अच्छा है, प्रॉपर एक एक चीज़ अपने साफ़ करके, प्रॉपर किचन को चमका के, हर चीज़ को मैनेज करके फिर अपने रूम में ऊपर गया है, और ये हमारा डर्टी किचन है, और यहाँ पर भी देखें सिंक भी प्रॉपरली साफ है, और ऐसा किचन आपके घरों में कितने घरों में होता है जिनकी औरतें ऐसा अपना प्रॉपरली किचन साफ़ सुथरा रखते हैं, तो इस वक्त तमाम चीज़ें मांझ के, घर की मांझ के, अंदर की चीज़ें साफ करके गए, तो इससे पता चलता है कि खूबसूरती सिर्फ शक्ल सूरत हाथ पैर की नहीं होती, आपके घर में
आपका जो तरीका होता है ना वो इससे पता चलता है। मैं अक्सर लोगों के घर में जाती हूँ, वहाँ जाके मैं उनके किचन से दूर के बाद घूम कर इतना बुरा हाल होता है और देख के दुख होता है। तो ये मैं इसे दिखा रही हूँ कि शायद आप लोगों को थोड़ा सा से हो कि जी आप भी घरों में अगर आपके पास नौकर है तो साफ सुथरे हो और काम करने वाले हो, नहीं है तो मेरी माँ की तरह अल्लाह करे सब घरों पर ऐसी पेटियाँ बहने हो कि ये करें। मैं भी थोड़ी सी हूँ इस मामले में, अच्छी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब डॉक्टर है तो उनसे